हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं इस गेम के अंदर। मैं गैंग को ज्वाइन करने वाला हूँ। और मुझे यार इस गैंग की मतलब बहुत लंबे टाइम से तलाश थी, उनके साथ यार मैं ज्वाइन होकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूँ। इसलिए चलो मैं चलता हूँ उस गैंग को ढूंढने के लिए। वैसे उस गैंग का मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट मुझे इतना पता है कि वो गैंग ज़्यादातर कहाँ पर मतलब उसके मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो चलो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। और यार मैं अटक गया इधर, पता नहीं कितना लंबा टाइम लगेगा यहाँ से निकलने के अंदर। वेट अ मिनट यार, 2000 ईयर्स। ओके भाई, तो 2000 ईयर्स के बाद मैं यहाँ से निकल पाया हूँ फाइनली। और यहाँ पर यार एक मिनट भाई, उस गैंग का एक मेंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलो मैं इसके पास जाकर ज़रा बात कर देखता हूँ। वैसे इस वक्त वो मुझे मतलब देखकर बात करेगा या नहीं करेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा मतलब नया हूँ उसके लिए, वो मुझे कभी भी पहले मिला नहीं है। इसलिए यार मुझे देखकर ये पुलिस वाला समझकर मतलब इग्नोर करके जा रहा है। भाई मेरी बात सुन, मुझे तेरी गैंग के अंदर शामिल होना है। और इस गैंग के अंदर मतलब जितने भी मेंबर, उनको भी बता देना कि मैं इस गैंग के लिए अब से काम करने वाला हूँ। ओके चलो कोई बात नहीं, तो मैं तुम पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 फॉर्च्यूनर लाकर देनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ओके भाई ओके, तो इसने हमें बता दिया है कि हमें 3 फॉर्च्यूनर चाहिए, और इन 3 फॉर्च्यूनर्स के बदले में ये हमें देने वाला है 10 लाख रुपये। वैसे यार काफ़ी कम है, लेकिन पहला हमारा काम है जो इस गैंग ने हमें दिया है, इसलिए हम लोग इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। तभी यार इस गैंग का मतलब मेंबर्स जो है, ये तो सिर्फ मेंबर था, लेकिन जिस गैंग का जो लीडर है वो हम पर यकीन करने लगेगा। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ से बाइक को कुदाकर फटाफट से हम जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमको मिलने वाली है फॉर्च्यूनर। अभी एक दो नहीं यार, पूरी 3-3 फॉर्च्यूनर हमें लेनी होगी यहाँ पर से। तो बहुत ही हार्ड काम है हमारे पास, इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ यहाँ पर। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मैंने बाइक भगा दी है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर मुझे मिलेगी मेरी फॉर्च्यूनर। और इस जगह के ऊपर यार फॉर्च्यूनर मुझे, चलो भाई मैं फॉर्च्यूनर तो ले चुका हूँ यहाँ पर, इस जगह पर आसानी के साथ मिल जाएगी मुझे फॉर्च्यूनर। यहाँ पर बहुत सारी फॉर्च्यूनर्स पड़ी हुई होती है, तो फाइनली हमारे फॉर्च्यूनर भी हम चुरा चुके हैं, फॉर्च्यूनर की चोरी हम कर चुके हैं, मिल चुकी है हमें फॉर्च्यूनर। 3 फॉर्च्यूनर यहाँ पर मौजूद है, और वो इंसान भी यहीं पर है यार। चलो भाई, तो जैसा कि मैंने उसे बताया था कि यहाँ पर आना है, वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और सिर्फ मुझे उसके पास पहुंचना है और बोलना है कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दे 10 लाख रुपए। तो इस तरीके से मैं जा नहीं सकता हूँ, बहुत दूर खड़ा हुआ है वो। तो मैं मेरी H2R लेकर फटाफट से उसके पास पहुंचता हूँ। और मुझे एक्चुअली इसकी नीयत के ऊपर थोड़ा सा शक है, क्योंकि यार इसने गाड़ी तो वहाँ पर से मतलब ले लेगा ये आसानी के साथ, लेकिन यार हमें पैसे देगा या नहीं देगा, क्योंकि यार आखिर ये गैंग का मेंबर है, ईमानदार मतलब बहुत ही मुश्किल है कि ईमानदार हो। इसीलिए मैंने एक बैकअप भी प्लान किया है। देखो यार मतलब गाड़ियाँ तो इससे मिल चुकी है, और अब ये बिना पैसे दिए जा रहा है, इसलिए मैंने मेरे एक मेंबर को, मेरा एक दोस्त है, उसको पहले से यहाँ पर बुला कर रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा दोस्त, पीछे की साइड पर मेरे बिल्कुल बैक पर खड़ा हुआ ये रहा। और अब भाई तू पैसे दे। नहीं दूंगा पैसे, तुमने मुझ पर यकीन करके गलती कर दी। ले भाई पैसे नहीं देना तो ले चल। ओके अच्छा चलो मैं तुम्हारे पूरे पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो फाइनली इसने कह दिया है हमें कि हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारी बैंक में ट्रांसफर कर देगा ये, तब बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला मिशन और पहले गैंग के साथ जो हमने काम किया है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही स्टोरी के साथ।